सर ने सर नीचे कर दी और टांग ऊपर कर दी आप लोगों के सामने, अगर ना कर दी तो। एक एक आदमी ने पूरी मेहनत करके चौधरी मोहम्मद इलियास जी को चौथी बार विधानसभा चंडीगढ़ भेजा है, आप सब एक बार तालियों से उसका स्वागत करें। और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूं, अभी दो दिन पहले एक मीटिंग ली जा रही थी, उस मीटिंग में हमारे मंत्री जी के लिए कुछ ऐसे शब्द यूज किए जा रहे थे, मैं स्टेज के माध्यम से उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं और वो भी कान खोल के सुन लें, हम इतने कमजोर नहीं है, वह हम इतने कमजोर नहीं है जो हमें स्टेज के माध्यम से डरा सके, उसके लिए चैलेंज है और मैं चैलेंज देता हूं उसके लिए खुले मैदान में आके कभी भी दो दो हाथ कर ले, अभी तो हमारे बुजुर्ग ने उसके पैंसठ सत्तर साल की उम्र में हमारे बुजुर्ग ने उसकी सर ने सर नीचे कर दी और टांग ऊपर कर दी आप लोगों के सामने, अगर ना कर दी तो अगर ना कर दे तो बताओ। और चौथी बार एमएलए बना है वो तो इसकी बराबरी पूरे जीवन भर नहीं कर सकता, पूरे जीवन भर मंत्री जी वो चीज है। और मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों का साथ मिला जैसे आज मिला है ये सीट रिजर्व हो जाएगी मंत्री जी इसके पूरी जिंदगी बात नहीं कर जाएंगे, वो तो इसके हकदार, वो तो कुछ हमारी गलतियां हो गई थी उससे, वो पिछली बार विधायक बनने लायक नहीं है वो लोग जो उनको मैं तुमने विधानसभा भेजे यहां से। आप मेरे लिए एक चीज बता दीजिए कि उन्होंने पांच साल के अंदर क्या किया, बताओ क्या किया उन्होंने, झूठी अफवाह कुछ नहीं किया, झूठी अफवाह एक दूसरे को गांव में तो पार्टियां बनाने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया, 36 बिरादरी को लड़ाने का काम किया उन्होंने, एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है और हमारे मंत्री जी ऐसे हैं जो पुराना विधानसभा का विकास चाहते हैं, बस आप लोग साथ दीजिए, इस पांच साल में इंशाल्लाह विपक्ष में रहकर भी हम विकास कराएंगे और आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ पुराना विधानसभा में मजबूती के साथ लड़ेंगे और आपके बच्चों का भविष्य जैसे आपसे पांच साल पहले था आप इस चीज से बिल्कुल दूर हो जाइए कि सोचना भी नहीं कि आप विपक्ष में बैठकर हमारा विकास नहीं होगा, इन सारा विकास भी होगा और आप लोगों के काम भी उठेंगे होंगे और मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर आपकी आवाज उठाई जाएगी, इस चुनाव विधानसभा की आवाज उठाई जाएगी। और आप लोगों से बस मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने जैसे इस पांच साल मेहनत की है और आने वाले पांच साल के अंदर भी आप लोगों को ऐसे ही लोगों को जोड़ कर रखना है और इनको ये दिखाना है जो कह रहे थे ना कि आज 850 वोट से जीत हुई है, ये जीत नहीं है, ये वो जीत है जिसने तेरी टांग ऊपर कर दी और सर नीचे कर दिया, ये वो जीत है, ये आप लोगों की जीत है, ये आप लोगों की जीत है, जो यहाँ पे सामने बैठे हुए लोग हैं सब आप लोगों की जीत है, पुराना विधानसभा के लोगों की जीत है, हमारी माताएं बहनें और नौजवान साथी और बच्चों की जीत है जिन्होंने एक पूरी रात और पूरा दिन ना खाया ना सोए और पूरे दिन ऐसे ही मंत्री जी के लिए रातों रात पूरे दिन पूरी मेहनत करके आज विधानसभा आप लोगों ने भेजा है, आपका मंत्री जी पूरे पांच साल कर्ज नहीं चुकाएगा और पूरे तन मन धन से आप लोगों के काम आएगा। और मैं आने वाले टाइम में ये कहना चाहता हूँ मंत्री जी से, मंत्री जी इनके लिए और इस विधानसभा के सीट को ऐसे रिजीव कर दीजिए कि वो लोग विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने लायक तक ना रहे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।